AI का यूज करके आप किस तरीके से PDF कन्वर्टर मल्टीट्यूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहां पर छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे प्यारा सा लाइक भी कर दें। सो गाइज, एक PDF कन्वर्टर मल्टीट्यूल वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के लिए कोड्स क्रिएट करना है। और कोड्स क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी AI टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मानस का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर आना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप गूगल AI स्टूडियो का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डीप सिक का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस भी टूल का आपको यूज़ करना है आपको उसको बेसिकली ओपन कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया है। और प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो सिंपली आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, उसके बाद आप जिस भी AI टूल का यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर तीनों AI टूल, गूगल AI स्टूडियो, डीपसिक और मानस, तीनों को ही बताने वाला हूँ किससे यहाँ पर बेहतरीन कोड्स बनेंगे। जिससे भी यहाँ पर बेहतरीन कोड्स बनेंगे उसी के हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर गूगल AI स्टूडियो में कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, देन रन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मैं डीप सिक के ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, देन रन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मानस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, देन रन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये भी यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना है और हमें यहाँ पर यह चेक करना है कौन सा टूल यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट बना कर दे रहा है। जो सा भी टूल यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट बना कर देगा उसी के माध्यम से हम यहाँ पर अपनी मल्टी टूल वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जो PDF कन्वर्टर वेबसाइट है। तो कुछ सेकंड का हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो पहले हमारे सामने गूगल AI स्टूडियो का रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पर कंप्लीट कोड बन चुका है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँगा, तो यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस टाइप की वेबसाइट मेरी यहाँ पर बनी है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर अबाउट का सेक्शन भी है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन भी है। उसके अलावा बहुत सारे टूल्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, जैसे कि इस पर क्लिक करूँगा, टूल यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छा खासा इसका यहाँ पर इंटरफेस बना है। तो कहने का मतलब ये है टूल यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी टूल्स यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो भाई, गूगल AI स्टूडियो ने यहाँ पर बेहतरीन सी वेबसाइट बना कर दी है। अब मैं यहाँ पर डीप सिक का रिजल्ट चेक करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ डीप सिक आपको यहाँ पर कैसा रिजल्ट बना कर देता है। तो यहाँ पर मैंने डीप सिक को ओपन कर लिया। अब मैं रन इसके ऊपर क्लिक करूंगा। डीप सिक ने यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट की है, जैसे कि इसने यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट बनाई थी, है ना। अब डीपसिक ने यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट की है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो टूल्स तो यहाँ पर भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डीपसिक के कोड का भी यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विसेज, सभी टाइप के पेजेस को बनाया गया है। कहने का मतलब ये है डीपसिक का टूल भी यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर मानस AI का रिजल्ट चेक करने वाला हूँ, तो मैं मानस AI के ऊपर चला जाऊंगा। एंड यहाँ पर इसने इस टाइप के कोड्स बना लिए हैं, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो इस टाइप की वेबसाइट मेरी यहाँ पर बन के रेडी चुकी है। अच्छा सा एनिमेशन भी यहाँ पर ऐड किया है, टूल्स वगैरह यहाँ पर ऐड किए हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, टूल्स यहाँ पर परफेक्टली ओपन हो रहा है ना। तो मानस का रिजल्ट मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मानस के कोड में यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और इसी कोड के माध्यम से मैं यहाँ पर अपनी मल्टी टूल वेबसाइट क्रिएट करने वाला हूँ। तो भाई, कोड्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब इन कोड्स को मैं यहाँ पर वेबसाइट में चेंज करने वाला हूँ। तो पहले मुझे यहाँ पर कोड्स को कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं थ्री डॉट इसके ऊपर क्लिक करूँगा, कोड के ऊपर क्लिक करूँगा, अगेन इसके ऊपर क्लिक करूँगा, कॉपी इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो कोड मेरा यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर इसको होस्ट करना है। तो होस्ट करने के लिए आप यहाँ पर दो तरीके का यूज़ कर सकते हैं। या तो आप अपने कोड्स को गिटहब के ऊपर होस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने कोड को
ब्लॉगर के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर अपने कोड को होस्ट करेंगे तो आपके गूगल के ऊपर रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपकी यहाँ पर चॉइस है, आप कहाँ पर अपने कोड को होस्ट करना चाहते हैं। मैं दोनों का ही तरीका आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर गिटहब का यूज़ करने वाला हूँ, तो गिटहब के ऊपर आपको आना है। उसके बाद आपको प्लस इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू रेपोजिटरी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू पेज आएगा। मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा PDF, तो यहाँ पर ये अवेलेबल है। पब्लिक के ऊपर क्लिक करूँगा, देन क्रिएट रेपोजिटरी इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएटिंग ए न्यू फाइल का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने कोड्स को कॉपी एंड पेस्ट कर देना इस तरीके से। उसके बाद आपको टॉप में जाना है एंड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है index.html। इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, कमिट चेंजेस इसके ऊपर क्लिक करना है, कमिट चेंजेस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपने कोड को होस्ट करना है तो सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर पेजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको मेन को चूज़ कर लेना है, सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कोड आपके यहाँ पर सेव होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। जब तक आपकी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश हो रही है तब तक मैं आपको ब्लॉगर के अंदर कोड होस्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको ब्लॉगर के ऊपर जाना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट को बना लेना है, न्यू ब्लॉग इसके ऊपर क्लिक करना है, नाम डालना है, URL डालना है, वेबसाइट आपकी बनकर रेडी हो जाएगी। अब आपको थीम के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फर्स्ट जनरेशन को चूज़ कर लेना है, एडिट HTML इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, जो भी कोड आपने कॉपी किया था, सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर बैक जाना है और चेक करना है कोड आपके यहाँ पर होस्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो इस तरीके से मेरे कोड्स यहाँ पर होस्ट हो चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और टूल्स भी यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने कोड को होस्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ एंड यहाँ पर भी मेरा लिंक जनरेट हो चुका है, मीन्स मेरी वेबसाइट यहाँ पर होस्ट हो चुकी है। अब आपको अपनी वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ से इसके लिंक को कॉपी कर लेना है और यहाँ से इसके लिंक मतलब इसका जो URL है उसको कॉपी कर लेना है। और इसको होस्ट करने के लिए हम इसको मोनेटाइज करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले ऐड स्टारा का, तो ऐड स्टारा के ऊपर आना है, ऐड वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल देना है, देन यहाँ से कैटेगरी चूज़ करना है, ऐड टाइप चूज़ कर लेना है, सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपकी वेबसाइट यहाँ पर सेव हो जाएगी। जैसे ही आपकी वेबसाइट यहाँ पर सेव हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, एडमिट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एडमिट दिखाई देगी जो कि एक्टिव नज़र आएगी। अब आपको गेट कोड इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से कोड को सेव कर लेना, कॉपी कर लेना है। अब आपको इसको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। जैसे कि मान लो अगर आप ब्लॉगर में ऐड करना चाहते हैं तो आपका एडिट HTML इसके ऊपर क्लिक करना है, बॉटम में चले जाना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बॉडी का, उसके नीचे आपको अपने कोड को सेव कर देना है। ठीक है, तो बॉटम में चला जाता हूँ मैं यहाँ पर, और बॉडी के नीचे इस कोड को आपको इस तरीके से सेव कर देना है, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स लग जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एड्स लगा सकते हैं। सेम केस आपको यहाँ पर करना है, इसके अंदर भी आपको बैक जाना है, अगेन बैक जाना है। ठीक है, अगेन बैक जाना है। जैसे ही आपको यहाँ पर index.html का पेज नज़र आएगा इसको आपको ओपन कर लेना है। अगेन आपको बॉटम में आना है, उससे पहले आपको यहाँ पर एडिट दिस फाइल इसको ओपन कर लेना है, फिर आपको बिल्कुल बॉटम में जाना है। ओके, बॉटम में जाने के बाद आपको यहाँ पर बॉडी का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके नीचे अगेन आपको इस कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड लग जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से अपने स्क्रिप्ट को कॉपी एंड पेस्ट करना है, देन कमिट चेंजेस इसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन वेबसाइट के अंदर आपकी ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी मल्टीटूल वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री ट्रैफिक की, कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। तो गाइस, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगी। तो सिंपली आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन के ऊपर जाना है, फ्री ट्रैफिक की आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको आपको देख लेना है। वहाँ पर आपको 200 से भी ज़्यादा फ्री ट्रैफिक सोर्स की नॉलेज बन जाएगी, जिसके ऊपर आप अपनी PDF कन्वर्टर मल्टीटूल वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैसे आपको PDF कन्वर्टर मल्टीटूल वेबसाइट क्रिएट करना है उसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स लेके आएँ, ताकि इसी टाइप का ओसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।